नमस्कार, स्वागत है आपका। चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में तमाम जो नेता हैं लगातार बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल के बीच दौरे कर रहे हैं। दौरे करने के बीच में जब समय उनको मिलता है व्यस्ततम समय में से, तो थोड़ा सा समय चुरा कर लंच कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं या डिनर कर लेते हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। खाने का टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं व्यस्ततम समय में से, अब निकालना पड़ता है, चलना है, मेहनत करना है, जगना है, तो कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा। और इस समय कचौड़ी समोसा भजिया खा नहीं सकते, क्योंकि उससे फिर डाइजेशन प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम, ये सब चीजें होती हैं। तो खाने का पैटर्न चेंज हुआ है चुनाव के समय? निश्चित रूप से सादा खाना खा रहे हैं, एकदम सादा खाना, रोटी सब्जी चपाती, इसके अलावा बाकी कुछ भी खाना अभी तो पूरी तरह अवॉइड करते हैं तेल का संबंध, क्योंकि खाने का कोई समय में नहीं निर्धारित नहीं हो पा रहा होगा जी। क्या लग रहा है, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है, पहले से ज्यादा अच्छा रिस्पांस है, और लोग इस समय जो भूपेश बघेल सरकार की अनार्की है, गरीबों के घर छीन लिए हैं, गरीबों को घर में नल नहीं लग रहा है, उनको पट्टे नहीं मिले हैं, और जो पीएससी का भ्रष्टाचार हुआ उससे यूथ जबरदस्त नाराज है। आपका तो शहरी इलाका है, शहरी इलाकों में बोलते हैं बीजेपी की ठीक ठाक पोजीशन है, क्या लग रहा है पिछले बार से 2018 और इस बार में क्या अंतर समझ आ रहा है? बहुत अंतर है। पिछली बार लोगों के मन में एक थोड़ी, क्योंकि शहर में भी रहने वाले लोग कहीं ना कहीं गांव से जुड़े, तो जो एक लोगों के मन में थोड़ी सी बात आ गई थी कि 15 साल हो गया, बदलना है। फिर जो धान का मुद्दा था उसने भी हमको नुकसान पहुंचाया, पूरे प्रदेश का जो सिनेरियो बना उसने शहरों में भी नुकसान पहुंचाया। पर इस बार भी कांग्रेस किसानों के भरोसे, उसका कहना है कि किसान हमारी बात मानेंगे, अब किसान उनकी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि तो किसानों के साथ में उन्होंने धोखा किया। घोषणा पत्र में कर्ज माफी रखी उन्होंने, कर्ज माफी रखी बीजेपी ने, 2 साल का बोनस जो नहीं मिला था वो देने की बात की, वो कर्जा माफी से ज्यादा होगा। फिर बीजेपी 21 क्विंटल और 2100 रूपये दे रही है, उसमें 65,000 रूपये होता है, और कांग्रेस 20 क्विंटल और 3200 रूपये दे रही है, उसमें 64,000 रूपये होता है, मतलब 1,000 रूपये ज्यादा दे रहे हैं। और फिर साथ में जो बीजेपी ने योजना लाई है कि गरीब महिलाओं को जो शादीशुदा है उनको 12,000 रूपये महीना मिलेगा, साल का मिलेगा, गैस का कनेक्शन 500 रूपये में मिलेगा, और 1.5 लाख रूपये लड़की पैदा होगी तो उसके 18 साल के होने पर उसको उसके खाते में जमा हो जाएगा, जो नौजवान है उसको अगर वो कोई इंडस्ट्री डालता है, फैक्ट्री डालता है, तो 50% सब्सिडी मिलेगी। और साथ में सबको प्रधानमंत्री आवास, जो इन्होंने नहीं दिया इतने दिनों तक, वो मिलेगा। तो ये सब योजनाएं मिलकर बीजेपी के पक्ष में एक माहौल और वातावरण बना रहे। घोषणा पत्र बहुत इम्पोर्टेंट है आपको लग रहा है इस बार दोनों ही साइडों का, पब्लिक दोनों को कंपेरिजन तो इम्पोर्टेंट होता था, परंतु जनता पार्टी को वोट देती थी, परंतु जब से इस प्रकार का सिस्टम शुरू हो गया है कि लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए, और इसलिए जब लोगों को लगता है कि हमको इस पार्टी की सरकार में हमारी बेहतर स्थिति होगी, तो जो पार्टी उनको बेहतर स्थिति देगी, और मोदी जी के ऊपर में लोगों को विश्वास है, बीजेपी ने मोदी गारंटी योजना दी है, और फिर भूपेश बघेल जी तो अब दागदार हो गए, उनको चेहरा भी नहीं बनाया है, पर वो से उनका चेहरा हट गया है, तो वो कहते हैं आप लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता विश्वास नहीं करेगी, ईडी और भाजपा एक ही है। अगर बीजेपी बदनाम करी तो कहे ना कि महादेव सट्टा ऐप में हमने कोई पैसा नहीं लिया, वो बोले कि शराब में कोई घोटाला नहीं हुआ है, वो बोले कि कोयले में कोई घोटाला नहीं हुआ है, डीएफएफ में कोई घोटाला नहीं हुआ है, गौठान में कोई घोटाला नहीं हुआ है, ये कहां बोलते हैं?
वो तो ईडी और इनकम टैक्स पे आरोप लगाते हैं, उनको ये मालूम है कि कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। और महादेव ऐप सट्टे में तो जब से ये बात सामने आ गई है कि मुख्यमंत्री स्वयं 508 करोड़ रुपए लिए हैं और उस पैसे को चुनाव में खर्च कर रहे हैं, तो पहली बार मुख्यमंत्री सीधे आरोपी बने, दागदार हुए। पर वो टाइमिंग पर सवाल उठाते हैं, चुनाव के समय ही क्यों आई ये सारी चीजें? टाइमिंग कोई भी हो सकती है, ये सब जांच तो आज से थोड़ी चल रही है, ये जांच तो पिछले 2 सालों से चल रही है। महादेव सप्ताह की जांच तो यहाँ की सरकार भी कर रही थी, पर उसने कोई कार्रवाई नहीं की, आरोपियों को बचाने का काम किया। कई सारी गिरफ्तारियां की बोलते हैं उन्होंने, 400 के लगभग। उन्होंने कोई गिरफ्तारियां नहीं की, जो मुख्य आरोपी है वो मुख्य आरोपी को तो एक बार पुलिस ने पकड़ा था छत्तीसगढ़ में दुर्ग में, उसको छोड़ दिया, तो वो तो अपने आप को बचाने के लिए छोटे मोटे छोटी मोटी मछलियों को पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ जो है वो तो बाहर घूम रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है जब हम बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है पहले 20 सीटों में क्या उम्मीद है? बीजेपी उसमें से 75% सीटें जीत रही है। अच्छा, और बीजेपी ने पहले टिकट भी डिक्लेयर की, उसका भी फायदा मिल रहा है। और कांग्रेस सरकार की जो विकास विरोधी नीति है, लोगों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, पंप के कनेक्शन चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार है ना, वो सड़क दे रही है, ना पानी दे रही है, ना बिजली दे रही है, ना लोगों को रोजगार दे रही है। किसानों के बच्चे भी पीएससी देते हैं, और जो पीएससी में घोटाला हुआ है उससे तो लगभग 20 लाख नौजवान इससे प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री कहना कोई शिकायत नहीं है, और शिकायत आएगी तो जांच की जाएगी। शिकायत आना क्या है, अगर युवाओं के मन में संदेह है तो उस संदेह को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया? क्या यह संयोग है कि पीएससी के चेयरमैन के 8 रिश्तेदारों की भर्ती हो जाए? ये क्या संयोग हो सकता है? 1, 2, 3 हमको समझ में आता है, कुछ नेताओं के बच्चों की भर्ती हो जाए। जिस दिन युवा निराश हो जाता है उस दिन वो स्टेट कभी डेवलप नहीं कर सकता। और भूपेश बघेल की सरकार ने युवाओं को निराश करने का काम किया, उनको डिप्रेशन में डालने का काम किया, उनके माँ बाप अपनी जमीन बेचकर, अपने गहने बेचकर, अपना पेट काटकर, प्राइवेट लोगों से कर्जा लेकर, बैंक से कर्जा लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब उनको लगे कि पीएससी की भर्तियों में 1,50,000-25,00,000 में पोस्ट बिक रही है, तो जिनके पास पैसा नहीं है उनकी क्या हालत होती होगी, इसकी आप कल्पना करें। कैंपेन के सेंटर में आप लोगों के यूथ और महिला है, इनसे ज्यादा उम्मीद है आप लोगों? सभी है, यूथ महिलाओं के साथ में डेवलपमेंट है। अब रायपुर में एनआईटी खुला, रायपुर में आईआईटी खुला, रायपुर में आईआईटी आईटी खुला, रायपुर में एचएनएलयू खुला, रायपुर में एम्स खुला, रायपुर में एमबीए का कॉलेज खुला, रायपुर में एक्सप्रेस हाईवे बना, रायपुर में रिंग रोड बनी, रिंग रोड के ऊपर 8-8 ओवर ब्रिज अंडर ब्रिज बने, केनाल रोड बना, रायपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना, स्काई वॉक भी, रायपुर में हमारा हॉकी स्टेडियम बना। स्काई वॉक का भी वो जिक्र करते थे पिछले चुनाव में, तो इस बार क्यों नहीं कर रहे जी? 5 सालों में क्या झक मार रहे थे? 5 सालों में निर्णय क्यों नहीं कर पाए? अगर गलत हुआ तो उनको लटकाते हो? आप घूम रहे हैं लोगों के बीच, आप किस पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा जब लोगों के बीच जा रहे हैं? मैं रायपुर जब जा रहा हूं तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर में, पीएससी के ऊपर में, रायपुर राजधानी जो 5 साल पहले देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी थी, छत्तीसगढ़ देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट था, आज वो बीमारू राज्य हो गया है। आज रायपुर शहर गड्ढापुर हो गया है, धूलपुर हो गया है, चाकूपुर हो गया है, नशापुर हो गया है। इसके बारे में हम लोगों के पास चेहरा आप लोगों के पास नहीं, ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस उठाती है। कांग्रेस के पास भी कहां चेहरा है? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, कहां मुख्यमंत्री कांग्रेस ने डिक्लेयर किया?
कांग्रेस ने तो कांग्रेस के होर्डिंग्स में से उनके फोटो हट गए। और कांग्रेस की शैलजा जी ने कहा है, पी एस सिंहदेव ने कहा है, कोई चेहरा नहीं होगा, हम संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो इसका आप लोगों को फायदा होगा नुकसान होगा? हमको फायदा है इसका कि अगर सत्ता पार्टी कोई अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं करती है, मतलब अब कांग्रेस के पास में कोई नेता बचा नहीं है। और विपक्ष तो कभी भी पूरे देश के चुनाव में कभी भी विपक्ष अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं करता है, सरकार में आने के बाद ही चेहरा आता है। एक बड़ा सवाल टिकट जब डिक्लेयर होता तब उठा था कि 2018 में कई बड़े चेहरे जो हारे थे उनको फिर से टिकट दिया गया, तो इसको लेके कार्यकर्ताओं में निराशा है। अब तो आप कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है? कार्यकर्ताओं का अच्छा रिस्पांस है। ये स्वाभाविक है कि टिकट एक को मिलना है, दावेदार कई होते हैं तो प्रारंभिक रूप से नाराजगी होती है, परंतु धीरे धीरे वो नाराजगी खत्म हो जाती है। पूरी नाराजगी खत्म होकर पूरे कार्यकर्ता पूरी जी जान से काम में जुटे हुए। घोषणा पत्र में आप लोगों के मोदी की गारंटी लिखा है, बहुत सारे केंद्रीय नेता भी लगातार प्रचार पे आ रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है क्या स्थानीय नेताओं की क्रेडिबिलिटी नहीं है या उन पे भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है। आज की तारीख में देश के सबसे बड़े नेता कोई है जिनके ऊपर पूरे देश की जनता विश्वास करती है, वो नेता कोई है तो फिर नरेंद्र मोदी जी हैं। और कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है तो क्या करेंगे, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनके ऊपर लोग विश्वास करें, जिनके नाम पर वोट दे दें, कांग्रेस के पास में कोई नहीं है। बची 70 सीटों में क्या उम्मीद है, कितनी सीटें आएंगी? अभी आप लोग कहां तक पहुंच रहे हैं आप लोगों के सर्वे के मुताबिक? मुझे लगता है कि बीजेपी 2/3 मेजोरिटी से जीत कर आएगी। कांग्रेस 75 पार का नारा दे रही है अभी भी। अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है और उसी में जीते रहे तो ज्यादा अच्छा है। लगातार आप बता रहे हैं 20-20 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं? क्योंकि 20 किलोमीटर चलना दिन रात और आधी रात तक आप 2-3 बजे तक काम कर रहे हैं, कैसे अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पा रहे हैं? लेकिन जो कार्यकर्ता का उत्साह है और जनता का जो प्रेम है वो ताकत देता है और उसी ताकत के दम पर हम चल पाते हैं। हर बार आपकी मार्जिन बढ़ती थी, पिछली बार 2018 में ये मार्जिन कम हुई, इस बार क्या है? सामने आपके महंत खड़े हैं, लोग बोल रहे हैं कि अच्छी टक्कर है, आप कैसे देखते हैं? मैं तो हर बार मानता हूं कि टक्कर कांग्रेस से होती है, टक्कर किसी व्यक्ति से नहीं होती, क्योंकि इसीलिए अगर मेरी टक्कर व्यक्तियों से होती तो हर बार 8 बार में 8 कैंडिडेट नहीं बदलते, हर बार नया कैंडिडेट। तो अभी भी मैं मानता हूं कि महंत जी तो स्वयं कहा कि मैं रायपुर से लड़ना नहीं चाहता था, मेरे को जबरदस्ती लड़वाया जा रहा है, उनका वीडियो वायरल हुआ है। जो लड़ना नहीं चाहते थे और जिनका रायपुर के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लोग वोट क्यों देंगे? 15 साल सरकार रहती है और एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल लगातार कई सालों से जीतते चले आ रहे हैं, आपको क्या लगता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती? कैसे लोगों से मैनेज करते हैं, बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट होता है? आपको मैनेजमेंट गुरु भी माना जाता है। ये एंटी इनकम्बेंसी होती है, कब होती है? जब पद आपके सर पे चढ़ के बोलता है। पद आने के बाद कुछ लोग अपने आप को ये समझ लेते हैं कि मैं भगवान हो गया। और मेरा सबसे बड़ा ये है कि जो संबंध है वो सबसे बड़ी चीज है, और इसलिए मैंने कभी मेरे कॉलेज के जमाने के दोस्त, स्कूल के जमाने के लोग, उनसे भी मेरे आज वही संबंध है। और मेरे साथ जो एक बार जुड़ गया मैं कभी उसको अपने से तोड़ता नहीं हूं। कई कांग्रेसी नेता भी आपके साथ पढ़े हुए बहुत है, उनसे अभी भी दोस्ती है? अभी भी दोस्ती है।
व्यक्तिगत संबंध अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है, दोनों को अलग कर देखना चाहिए। हम लोगों ने जो मध्य प्रदेश के जमाने में सुंदरलाल पटवा जी से, कैलाश जोशी जी से, इनसे सीखा है, कुशाभाऊ ठाकरे जी से, ये संबंध कभी किसी से खराब नहीं करने चाहिए। जो संबंध है वो जीवन में कभी न कभी काम आते हैं। छत्तीसगढ़िया संस्कृति की भी बहुत बात होती है और चुनाव में बड़ा मुद्दा भी है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को जिंदा किया गया, बढ़ावा दिया गया, आप तो संस्कृति मंत्री भी रहे हैं, क्या आप लोगों से कोई चूक हुई, कोई भूल हुई? कोई संस्कृति नहीं है, खाली उनका आडंबर है, ढकोसला है। जरा बताएं ना कि बस्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? धर्मांतरण, सरगुजा की संस्कृति को बढ़ाने के लिए क्या किया? रोहिंग्या लोगों को वहां पर बसाना। प्लेन एरिया की संस्कृति के लिए क्या किया? छत्तीसगढ़ में 1 लाख से ज्यादा कलाकार हैं, हमारे समय पर 50,000 कलाकारों को साल में काम मिलता था, आज यहाँ इनके समय पर 500 कलाकारों को काम नहीं मिल रहा है। पर छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी संस्कृति जो है वो खाली मुख्यमंत्री के बंगले तक है, वो वहां तीजा मना लेते हैं, वहां पूरा मना लेते हैं, वहां गेड़ी चढ़ जाते हैं, वहां हरेली मना लेते हैं। जिस दिन छत्तीसगढ़ के गांव गांव में तीजा पूरा उत्साह के साथ में लोग मनाएंगे, और वो क्या नई बात कर रहे हैं, ये तो हजारों साल से छत्तीसगढ़ में तीजा पूरा हरेली मनाते हैं। तो इसलिए लोग ये मानते हैं कि जो भूपेश बघेल जितना भी काम करते हैं वो खाली पब्लिसिटी के लिए करते हैं, वो जनता के विकास के लिए, जनता के हित के लिए नहीं करते। लोग इस बात को मानते हैं ऐसा लगता है? पूरी तरह मानते हैं। तो फिर जो लगातार उपचुनाव हो रहे थे उसका, उस पर इसका असर क्यों नहीं दिखा? वो तो सरकारी मैनेजमेंट था, सरकार का दुरुपयोग था। और अब जो ईडी की कार्रवाई वगैरह हो रही है और कांग्रेस का आरोप है कि ये तो दरअसल बीजेपी नहीं, ईडी चुनाव लड़ रही है, इसे आप कैसे काउंटर करेंगे? इसे लोगों को क्या काउंटर, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं, लोग तो चाहते हैं जो भ्रष्टाचारी है वो जेल में जाए। तो इस कार्रवाई से कोई छवि पे असर पड़ेगा सरकार का? मुख्यमंत्री बघेल के ऊपर तो असर पड़ ही गया है, हम सर चुनाव जीत रहे हैं, 2/3 बहुमत ला रहे हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है कि लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया की बात करने वाला मुख्यमंत्री और सरकार सबसे ज्यादा शोषण किसी का कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़िया का कर रहे हैं। क्या शराब का घोटाला किसका पैसा है, कोयले का घोटाला किसका पैसा है, रेत का घोटाला किसका पैसा है, डीएमएफ का घोटाला किसका पैसा है, गोठान का घोटाला किसका पैसा है, महादेव वेब का घोटाला किसका पैसा है? वो छत्तीसगढ़ का तो है, पर वो कहते हैं जनता इस बात पे भरोसा नहीं करेगी। जनता भरोसा कर रही है ना, जनता तो भरोसा कर रही है। अगर जनता भरोसा नहीं करती तो हमारे सतनामी समाज के युवाओं को नग्न होकर सड़क पर निकलना पड़ता। ये शायद दुनिया देश के इतिहास में जब कोई बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहीं रास्ता नहीं मिलता, तब लोग उतरते हैं। बस्तर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हजारों आदिवासी रोज सड़कों पर होते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक वर्ग विशेष के लोगों की मृत्यु के उपरांत लाशों को दफनाने में, जलाने से रोका जाए। ये सब जो मामले हैं, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, चाकूबाजी बेतहाशा बढ़ गई है, सूखा नशा कभी छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता था, सत्ता पार्टी से जुड़े हुए लोग अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, मार्फिन, ये सब बेतहाशा बेच रहे हैं और यहाँ की युवा पीढ़ी को पैसा कमाने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। उनका कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, रोजगार बहुत सारे लोगों को दिया गया, आंकड़े भी गिनाते हैं। उनके गिनाने से क्या होगा? विधानसभा में हमने पूछा, होर्डिंग्स लगी 5 लाख लोगों को रोजगार, जब हमने पूछा विधानसभा में 26,000 लोगों को मिला, और 26,000 में भी 16,000 परमानेंट है, बाकी को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी। बेरोजगारी भत्ता 10 लाख लोगों को 2,500 रुपए देंगे और 3 महीने पहले 1,36,000 लोगों को 2,500 रुपए दे रहे हैं, और वो भी मुझे लगता है जिनको मिल रहा है वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। मैं सामान्य लोगों की मीटिंग में पूछता हूं, आपके किसी भाई बहन को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा, हाथ उठा के बताइए, तो एक भी आदमी हाथ नहीं उठा। रायपुर की बात करें, राजधानी है, क्या यहाँ पे आपको माहौल लग रहा है?
बाकी सीटों पे भी आपके अपनी अलावा छोड़ के भी? देखिए, रायपुर के साथ में कांग्रेस पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया, रायपुर के विकास को पूरी तरह ठप कर दिया। जिस रायपुर को 5 साल पहले बाहर से लोग आते थे तो कहते थे कि आपका रायपुर बदल गया, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, इंदौर, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बन रहा है, महानगर का स्वरूप ले रहा है, और आज आते हैं तो बोलते हैं अरे यार तुम्हारे रायपुर में कितना धूल हो गया, कितने गड्ढे हो गए, कितने मच्छर हो गए, स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती हैं, यहां पर कितना अपराध हो गया, लाल बत्ती पे रुकते हैं तो मोबाइल छीन के कोई भाग जाता है। तो रायपुर का जो माहौल है वो तो पूरी तरह कांग्रेस के खिलाफ, अब बीजेपी यहां की चारों सीटें जीतेगी। क्राइम का जिक्र होता है बार बार राजधानी की जब बात होती है, आप लोग भी उठाते हैं, आप भी चाकूबाजी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी की समय से तो क्राइम कम हो गया है, और एनसीआरबी के भी हमने रेटिंग बताते हैं कि इसे इतने इतने रेटिंग मिली। उनकी एनसीआरबी जो है वो अलग है, जो एनसीआरबी उसने बताया है कि छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे बलात्कार में, छत्तीसगढ़ देश के आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से 20वें-22वें नंबर पर आता है, परंतु तीसरे नंबर पर बलात्कार में, हत्या के मामले में 7वें नंबर पर, बच्चों के अपहरण के मामले में 6वें नंबर पर। तो कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं कि यूपी और बिहार से ज्यादा क्राइम छत्तीसगढ़ में। टिकट बंटवारे की अगर बात हो तो उसमें भी एक चर्चा होती है सांगठनिक स्तर पर कि टिकट बंटवारे में खास ग्रुप की चली या डॉक्टर रमन सिंह की चली, अपने अपने लोगों को, अपने अपने लोग को टिकट दिलाए। अभी सवाल नहीं है, अभी सवाल खत्म हो गया और लोग अपने अपने तरीके से बोलते रहते हैं। बीजेपी अगर बहुमत पाती है तो बीजेपी का सीएम कौन होगा? वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, अभी कोई सीएम फेस नहीं है, ये कभी होता ही नहीं है, अभी तो चुनाव होने के बाद, बहुमत आने के बाद, विधायक दल की बैठक होने के बाद, लोगों के मत के आधार पर, केंद्रीय नेतृत्व के मत के आधार पर निर्णय होता है। आपका मार्जिन क्या होगा, आपको क्या अंदाजा है इस बार, क्योंकि पिछली बार मार्जिन थोड़ा कम हुआ था और उसकी वजह भी आप बता रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी सरकार। एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोला मैंने, जो पूरे प्रदेश का वातावरण था उसका असर यहाँ भी पड़ा था। हाँ, सरकार को लेकर जो एंटी, इस बार पिछली बार से ज्यादा मार्जिन होगी। चलिए ब्रजमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो ब्रजमोहन अग्रवाल खाना खाने के दौरान हमारे साथ बातचीत का समय उन्होंने निकाला, और बेहद व्यस्ततम इनकी जो है दिनचर्या इस वक्त हो गई है, सुबह 4 बजे तक बैठकें भी होती हैं, और सुबह अल सुबह जो इनका दौरा भी हो जाता है लगातार 20 किलोमीटर बता रहे हैं, रोज चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग में आज भी भरोसा रखते हैं, उसके बाद रात को बैठकों का दौर चलता है, जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, और जबरदस्त मेहनत के बीच में बहुत संयमित संतुलित खाना खाकर अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। तो खास मुलाकात खास पेशकश में इतने, नमस्कार।